और गाइस चेक करो, लुक चेक कर सकते हो क्या तगड़ा वाला आ रहा है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आप सभी लोग राम राम। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक राइड पे और देख सकते हो अपनी बाइक। तो बाइक में एक पंचर हो गया था जो कि क्लिप अभी हम लगा देंगे, आप लोग देख लेना। तो काफ़ी लंबा और बड़ा पंचर था। तो गाइस यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर इतना बड़ा कील घुस गया है टायर पर। तो अभी सोचे थे इसको नहीं करवाएं बट करवा लेते, क्योंकि ये पूरा टायर फाड़ सकता है, तो इसको निकालते फिर पंचर बनवाते। तो कील निकाल लिया, अभी पंचर बनवा लिए और गाड़ी को अभी वॉश करवा लिए हैं गाइस। तो अभी चलते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस बनवाने, और थोड़ा सा रुके हुए थे इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर व्यू अच्छा मिल रहा था, इसलिए सोचे इंट्रो यहीं से शूट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस निकलते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं शोरूम, क्योंकि बाइक का इंश्योरेंस फेल है तो इसका इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है। तो गाइस मेरा इंश्योरेंस का काम तो हुआ नहीं बाइक में, क्योंकि अभी इंश्योरेंस बनवाने आए थे शोरूम यामा का। तो यहाँ पर हमको IDV जो वैल्यू होता बाइक का काफ़ी कम बता रहा था। पिछले लास्ट टाइम हम करवाए थे तो मेरा बाइक का वैल्यू 1,38,000 था, और इस बार IDV वैल्यू भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। और पिछला ईयर जो था हम 3,000 में करवाए थे इंश्योरेंस, बट इस बार हमको 3,500 लग रहा था, 500 रुपये एक्स्ट्रा भी लग रहा था, ना कि मेरा डिले हुआ है एक दिन भी, फिर भी ऐसा हो रहा था। क्योंकि इंश्योरेंस करवाने के बाद आपका जब फेल होता है तो 90 डेज आपके पास टाइम होता है, उसके अंदर आप करवाइएगा तो आपको बोनस नहीं लगता है और बाकी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता। बट हमको यहाँ 3,500 भी लग रहा था और मेरा बाइक का भी वैल्यू कम दे रहा था। हमको ये सब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम इंश्योरेंस अभी बनवा लेते, बट प्रॉब्लम इस जगह पर आया ना कि अभी हमको कैश मांगा जा रहा था, कल मेरा इंश्योरेंस का पेपर देने का बात हो रहा था, इसलिए हम मना कर दे, क्योंकि हमको हैंड टू हैंड चाहिए, क्योंकि हम पैसा तो आपको क्लियर अभी कर रहे हैं ना। और बहुत देर से वेट कर रहे थे अभी से के लिए, क्योंकि अपना बाइक में थोड़ा सा काम करवा रहा था, तो अभी वो आ चुका है, बिग बाज़ार पास ही है। फाइनली गाइस अभी अभिषेक आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है ये, 2 बजे बोला था बट अभी 5 बजा दिया, तो कोई चक्कर नहीं है, निकलते हैं। भाई अभिषेक बहुत तगड़ा चलाता है ट्रैफिक में जो भी बोलो। चलिए गाइस आज थोड़ा ट्रैफिक लाइट करते हैं। ओ चचा एक तगड़ा वाला विली के साथ आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस, और आज करने वाले थोड़ा सा ट्रैफिक में मस्ती। आगे देखो आगे, तो गाइस चेक कर सकते हो अभी अपना यहाँ पर नंबर लिखवाया बाइक का, क्योंकि इसके यहाँ पर नंबर नहीं था, और जो देख सकते हो कितना मस्त तगड़ा वाला लुक आ रहा है बाइक का और बहुत अच्छा लग रहा है। विंगलेट लगाया है क्या आज, ये पहले था देखे नहीं थे कभी, बहुत अच्छा लग रहा है, लुक बहुत ही तगड़ा आ रहा है। और क्या क्या लिखवाया गाड़ी में, ये चीज़ कब लिखवाया बंडर, ये चीज़ आज लिखवाया, ये अरे कितना कॉस्ट पड़ा, कितना कॉस्ट पड़ा, 100 रुपया, काफ़ी सस्ता में हो गया। हम भी करवाएंगे गाइस लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए फिर उसके बाद करवाएंगे। और गाइस चेक करो, लुक चेक कर सकते हो क्या तगड़ा वाला आ रहा है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बाइक पे। तो रिंग लाइट तो अपने बाइक में कोई ऑप्शन ही नहीं, तो हम भी डलवा लेते अपने में, मेरा में RGB कुछ करके लाइट आता है जो कि इस जगह पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर अभी काम नहीं होता, ये रांची में काम होता है, इस वजह से धनबाद में करवा नहीं पा रहे। सोच रहे कि अपना नंबर खुलवा दे, मिरर्स खुलवा के डायरेक्ट यहाँ पर नंबर लिखवाएं, और ये वाइज़र भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो सोच रहे अब इसको भी चेंज कर दें। तो आप लोग कमेंट कर देना अगर इस बाइक का थोड़ा सा लुक आप लोग चेंज चाहिए, तो हम जल्दी इसमें मॉडिफाई करवाएंगे बाइक में। तो क्योंकि इंडिकेटर भी देख रहे हो बहुत गंदा हो गया है, और ये इंडिकेटर भी सही वाला नहीं है, उसका तो क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, तो सारा चीज़ चेंज करवाएंगे अब। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं, सोच रहे कि इंश्योरेंस गली बनवा लें आज, वेट कर लेते हैं, और आज मटकुरिया में जो यामा का शोरूम है वहाँ पर भी जाकर पता कर लेंगे, और जहाँ हमको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिलेगा हम वहीं से इंश्योरेंस क्लेम करवा लेंगे। तो गाइस चलिए निकल के एक तगड़ा वाला राइड मारने, और देख रहे गाइस देखो सामने रेस लग गया है बुलेट वाले के साथ गाइस।
गाइस लेन चेक करो। अरे हेलमेट बहुत ज्यादा लूज हो रहा मेरा। चचा 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 रुक क्यों जाता है? रुक जाता है गाइस, पार हो रहा तो पार ही हो जाओ, रुकता क्यों है बताओ? इधर का वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था, इसके लिए गाइस दिल से थैंक यू। और हमको पता चल चुका है कि इस टाइप का वीडियो आप लोग चाह रहे हो, मतलब रिएक्शन वीडियो जो होता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मेरे चैनल पर। लास्ट जो प्रीवियस वीडियो हम अपलोड किए हैं तो आप कोशिश करेंगे उसी टाइप का वीडियो हम लाएँ, बट आज पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि आज ज़्यादा शाम हो चुका था, तो धनबाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इसलिए नहीं गए। तो एक अच्छा सा लोकेशन देख रहे जहाँ पर थोड़ा सा शूट उट कर ले वीडियो। ठीक है, ब्रेक मार देता है यार ये लोग। ये बाइक इतने पावर प्रोड्यूस नहीं करती कि मतलब गाड़ी चलते हुए ही पॉप अप कर रही है, ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी ज़्यादा लूज हो रहा है यार, प्रॉब्लम हो रहा है। हेलमेट जब से धो दिए ना, इसका पैड पूरा थोड़ा सा नरम हो चुका है। पहले लूज़ नहीं होता था, पहले पूरा फिट बैठता था मेरे फेस पे, बट इसको वाश किए जिस कारण ये थोड़ा लूज़ हो गया है। तो इसको अच्छा सा ड्राई करना होगा, उसके बाद लग रहा है अच्छा सा फिक्स होने वाला है। अरे अरे आराम से, महाराज लोग इधर ही है, देख रहे हो इतने बड़े बड़े सांड है ना, गलती से भी टक्कर हो जाए भाई उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपना कुछ बचेगा नहीं। भाई साहब संतोष व्हीली मारने का, भाई क्या हो गया? ओ भाई रिएक्शन गाइस, ये वाला बहुत तगड़ा व्हीली था गाइस। इतना ज़्यादा कोशिश करने के बाद लास्ट में ये हुआ, हमको लगा कि नहीं होगा। जब सेकंड गियर लग गया था ना, हमको लगा कि नहीं होगा, बट हो गया और इतना अच्छा हुआ क्या ही बताएं। ये अभिषेक नहीं मानता, कहीं से भी निकाल देता है। विली फेल, ओ भाई तगड़ा विली था। बड़ो, बड़ो, बड़ो। तो गाइस अभी एक सीन हो चुका है, मेरा पर्स गिर गया, पता नहीं कहां पर एक भैया को मिला है पर्स लेते। अरे कैसे गिर गया बाइक में, कहां पर? हेलो हेलो, पर कहाँ पर है? बिरसा मुंडा पार्क देखे हैं? सिंगल वाला, सिंगल वाला रोड सीधा में बाएं साइड में जो आगे रोड घुसा सीधा बरवाडा निकल रहा है। जल्दी आइए, हमारा लेट हो रहा है।
अब रास्ता का थोड़ा नाम बताइए ना। क्या नाम इसका? हॉस्पिटल रोड। अमर फरी हॉस्पिटल बोलते नहीं है अशरफी ना कौन सी? अमरपली। ओके बिरसा मुंडा से आगे है या पीछे है? आगे है, आगे बिरसा मुंडा पार करके आ गया हूँ। ओके ओके। A few moments later. तो गाइस फाइनली अपना पर्स मिल चुका है। जो भैया थे जो हाईवा चला रहे थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो रोक के मेरा पर्स में ना गाइस जिम का कुछ जो स्लिप होता वो चीज़ था, तो जिस कारण मेरा उसमें नंबर था, तो इस चलते मेरा कॉन्टेक्ट हुआ भैया से। तो अगर भैया मेरा वीडियो देख रहे तो आपको दिल से थैंक यू। तो मेरे तो हम भैया को बोले कि कुछ खा लीजिए आप लोग, तो बट वो लोग खाए नहीं। और गाइस देख सकते हो क्या तगड़ा लिया और मॉडिफिकेशन किया भाई ने। अभी रात में आप लोग को समझ में आ रहा हो कितना तेज का लुक आ रहा है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस।